हेलो फ्रेंड्स, आज परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारे देश भारत में हर महीने हर साल साल में बहुत बार ऐसे पर्व ऐसे त्यौहार आते हैं जिसमें बहुत से लोग अपना खुद का स्टिकर बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपना स्टिकर लोगों तक पहुँचाते हैं। ऐसे में कई बार हमारा भी मन होता है कि हम भी अपना स्टिकर बनाकर लोगों को पर्व की शुभकामनाएं दें। ऐसे में हम भी अपना स्टिकर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियो आती रहती हैं। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास वैसे तो प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं, पर उन्हीं में से एक ऐप ऐसी है जिसके बारे में मैं आपको डीपली पूरा डिटेल समेत बताऊंगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिलेगी जिसका नाम है पिक आर्ट। तो पिक आर्ट से हम अपना खुद का स्टिकर बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे को उस फोटो को डाउनलोड करना होगा जिस मतलब स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको हम दबाएंगे। पिककार्ट है, पिककार्ट पर क्लिक करके जस्ट वन इस प्रकार से पहले हम इसको क्रप्ट कर लेंगे। साइज सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले हम अपनी इस पिक्चर का, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको लेंगे, और ऊपर राइट क्लिक है, राइट क्लिक को करके यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें कुछ लिखना है तो हम वो लिख सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से, जैसे हम इस पर अभी टेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम मैं अपनी कीबोर्ड पे से लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। आप भी कीबोर्ड पे इंग्लिश जो बटन है उसको दबा के लॉन्ग प्रेस करके उसके बाद लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ से हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस प्रकार से अब आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। उसके बाद अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर में जाऊँगा। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, जिस कलर में आपको अच्छा लगता है उस कलर में कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको
और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए और भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंट अगर अलग करना है तो फ्रंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। स्ट्रोक करना है इसको, आउट लेयर बन जाती है इससे। तो इस प्रकार से हम इसका आउट लेयर चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। उसके बाद हम अगर इसमें और कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि अपना नाम, तो हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा दोबारा टेक्स्ट में, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद कलर चेंज। सबसे पहले हम इसको नीचे ले आएंगे, इस प्रकार से हम इसका साइज भी सेट कर सकते हैं। अब इसका कलर चेंज करना है या आउटर कलर चेंज करना है, उसको कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये वाला हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन के बारे में तो बताऊँगा तो बहुत वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा स्टिकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब उसके बाद हमारे को अगर इसे गैलरी में ले जाना है तो ऊपर एरो देख रहे हैं, राइट एरो पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको सेव करना है या शेयर करना है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। सेंड करना है, अपलोड या फिर सेव, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये इसे गैलरी में सेव कर सकते हैं। ऊपर डन का देख पा रहे होंगे, डन कर देंगे इसको। तो इस प्रकार से अब ये हमारी गैलरी में सेव हो गया है। अब हम गैलरी में जाकर स्टिकर को देखेंगे, तो हमारा स्टिकर गैलरी में हमारे लिए तैयार बन गया है। ये वाला मैंने अभी आपके सामने इससे पहले भी मैंने बहुत बनाए हैं स्टिकर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अलग अलग स्टिकर हैं जो मैंने बनाए हैं। आप भी इस तरीके से स्टिकर बना सकते हैं। साथ में वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके की वीडियो को देखते रहने के लिए